गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सब घर में कैसे हो? आई होप सब अपने अपने घर में सुरक्षित हो और घर में मम्मी पापा की बड़ों की बातें सुन रहे हो या नहीं। मम्मा पापा जो भी कहना कहते हैं आपको, वो बात आप लोग सुनोगे भी और मानोगे भी, ठीक है। बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए और सुनना चाहिए, और जो भी आपके होमवर्क और क्लास वर्क जा रहा है उसे आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई, अपना जो भी होमवर्क है उसे कंप्लीट करोगे। तो चलो आज फिर मैं आपको क्या सिखाऊंगी, डब्ल्यू एक्स। इंग्लिश में आज हम लोग स्मॉल लेटर में एक्स के बाद क्या होता है बेटा, वाई। वेरी गुड, तो चलो वाई लिखते हैं। तो पहले हम कैपिटल लेटर में एक वाई लिखेंगे, तो थ्री लाइन से टच करते हुए लिखेंगे, ठीक है। ये देखो रेड वाली लाइन है यहाँ, ये और ये जो रेड वाली लाइन है वहाँ, और ठीक यहाँ एक डॉट लगाओ और इस डॉट से मिला दो। क्या बन गया ये आपका कैपिटल लेटर का वाई। वाई फॉर क्या होता है यार, वेरी गुड। अब हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? मैंने बताया आपको ना कि जो मिडिल वाली लाइन है हमें उस लाइन से लिखनी है, तो हम यहाँ फोर पॉइंट बना लेते हैं। और जैसे मैंने वाई कैपिटल लेटर में लिखा है वैसे ही सेम हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, बट वो थ्री लाइन से स्टार्ट हुआ है, हमें टू लाइन वाले से स्टार्ट यानी मिडिल लाइन से स्टार्ट करना है। तो इस लाइन को और ये जो लाइन है यहाँ पे एक डॉट करोगे, और ये जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ तक हमको उसको लाना है। ये बन गया आपका स्मॉल वाई, ठीक है। फिर से देखो ये डॉट, इस लाइन को यहाँ पे एक डॉट लगाओगे और ये इस लाइन पे एक डॉट लगाओगे और यहाँ इस लाइन से इस लाइन को मिला दोगे, तो बन गया ना आपका ये वाई। फिर से देखो, पहले हम इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे और एक यहाँ डॉट देंगे और एक लास्ट वाले लाइन में डॉट देंगे और दोनों डॉट को मिला देंगे, बन गया आपका वाई। वाई फॉर या, ठीक है। चलो एक बार और मैं बताती हूँ, कैपिटल लेटर को ऊपर से लिखना है। कैपिटल लेटर को कहाँ से लिखना है, मिडिल वाले सॉरी अपर लाइन से, बट जब हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो मिडिल लाइन से लिखेंगे। इस लाइन को यहाँ लाओगे और यहाँ एक डॉट, यहाँ एक डॉट और इस डॉट को एक दूसरे से मिला लोगे, ठीक है। इस तरह से बाकी जो पेज है आपका होमवर्क। चलो नेक्स्ट, मैथ्स में आज हम लोग क्या लिखेंगे बेटा। लास्ट मैंने आपको 73 सिखाया था, और आज हम लोग क्या, सॉरी बेटा 74 75 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे आज 76। तो चलो कैसे लिखेंगे, पहले हम 7 लिखेंगे एंड देन उसके बाद 6, 76 76, ठीक है। क्या लिखेंगे पहले बोलो, 7 then 6 7 6 76 7 6 76 76, ठीक है। अब चलो हम डॉट देकर लिखते हैं, तो पहले हमें 7 बनाना है और उसके बाद हमें डॉट में 6 बनाना है, 7 and 6, 7 and 6, ठीक है। सारे डॉट हमने दे दिया, अब सारे डॉट को आप मिला लो ऐसे, इसी पे अपनी पेंसिल को ड्रॉ करो तो हो जाएगा 7 और 6, 76 76, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे लिखोगे, बाकी जो पेज है आपका होमवर्क। नेक्स्ट हिंदी में आज हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, त थ द ध न, ठीक है। त थ द ध न हमने लिख लिया है, त थ द ध न के बाद क्या लिखेंगे, यस प फ ब भ म। चलो 5 लाइन हमने
ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या लिखना है? पा। तो पा कैसे लिखेंगे? जैसे आप 1 2 3 4 लिख तो 4 मैथ्स में, वैसे हमको लिखना है ठीक 4 की तरह। तो ये बन गया आपका पा, ठीक है। अब हमें पा कैसे लिखना है? ठीक पा यानी फिर से 4 की तरह हमें लिखना है। और यहाँ से एक छोटा सा टेल निकाल दो इसको। क्या बन गया आपका ये? हा। अब हमें बा लिखना है, तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में एक गोल बनाएंगे राउंड शेप, और इससे बीच में एक और रास्ता बना देंगे। क्या बन गया ये आपका? बा। और धा बनाना है तो इस लाइन को लेते हुए हमें नीचे की ओर लाना है, फिर ऊपर की ओर लाना है। जैसे आप ग लिखते हो, हाफ ग लिखोगे और फिर इधर लाओगे इस लाइन को, और फिर इस लाइन को मिलाओगे और यहाँ से एक रास्ता निकाल, बन गया ये भा। अगर ऊपर वाला आप पूरा ढक दोगे, कवर कर दोगे, तो ये फिर माँ बन जाएगा। लेकिन भा में हमेशा गैपिंग होता है। अब हमें माँ लिखना है तो माँ को हम डायरेक्टली वैसे लिखेंगे, बट कोई भी गैपिंग नहीं देंगे, ठीक है। देखो माँ में भा में क्या है डिफरेंट, कि यहाँ बीच में आपका गैप है, रास्ता है ना, यहाँ से ढका हुआ नहीं है, बट माँ लिखोगे तो पूरा ढका रहता है ऊपर की ओर। चलो फिर से एक बार और लिखती हूँ। 4 बनाना है तो बन गया ये पा। फिर हमें 4 बनाना है और एक लाइन ड्रॉ, छोटा सा लाइन और नीचे की ओर ले आना है, बन गया ये आपका फा। फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है, गोल यानी राउंड शेप बनाना है और एक बीच में छोटा सा रास्ता निकाल दो, बन गया आपका बा। अब भा कैसे बनाओगे? ये जो रास्ता है, ये जो दिया ना लाइन ड्रॉ की हो, बीच से नहीं करोगे, जहाँ से लास्ट है यानी यहाँ से, तो यहाँ से हमें ऊपर की ओर ले जाना है इसको, फिर इधर से मुड़ाओ और फिर एक लाइन और इसको यहाँ से कर, बन गया आपका भा। और माँ को हम बीच से, आप कहीं से भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। आपका लाइव क्लास पता है ना बेटा, कब का लाइव क्लास होता है? आप सब अपना लाइव क्लास ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन क्लास होता है आपका 8 o'clock, और टाइमिंग तो मालूम है ना 8 o'clock। और जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि कैसे ज्वाइन करना है, तो आप अपने ब्राइटलाइन ऐप में जाओगे और वहाँ पे आप नर्सरी लिंक ढूंढोगे, नर्सरी लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम आप सब अपना नर्सरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग है सुबह में आपका होता है 8 o'clock में आपका, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।